मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जेनेटिक्स एंड मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब आनुवंशिकी और मेंडल के बारे में स्टडी करेंगे। आनुवंशिकी में मेंडल का क्या रोल रहा है उसके बारे में भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आनुवंशिकी जो चैप्टर है वो बीएससी सेकंड ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट आता है आनुवंशिक लक्षण, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। आनुवंशिकी लक्षण या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जब कोई भी कैरेक्टर उसके पेरेंट्स से उसकी ऑफस्प्रिंग में जाते हैं तो उन कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स या आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। सपोज जैसे कोई एक लड़का है जिसके हेयर ब्राउन है और उसके फादर के भी हेयर ब्राउन थे, तो उसके फादर के हेयर ब्राउन थे इसी वजह से उस लड़के के भी हेयर ब्राउन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके पेरेंट्स से वो कैरेक्टर कहाँ पर आया है? उसके अंदर आया है। तो पेरेंट्स से वो कैरेक्टर उसकी ऑफस्प्रिंग में आया है, तो मतलब वो लक्षण जो कि जनक जीवों से संतति में संचारित होते हैं, ऐसे लक्षणों को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो ये हेरिडिटी हो गई। अब जैसे किसी की आंखें अपन देखें कि नीली आंखें होती है, तो उसके उसके जो ऑफस्प्रिंग होगी, उसकी डॉटर या उसका सन जो होगा, उसकी भी आंखें नीली होती, तो हम क्या बोलते हैं कि ये हेरिडिटरी है। तो ये कैरेक्टर क्या है? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। दूसरी अपन बात करते हैं आनुवंशिकता या हेरिडिटी किसे कहते हैं। अब ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टर का, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया कि ब्राउन हेयर पेरेंट में है तो उससे उसके बेटे में गए। दूसरा अपन ने आइज की बात की कि अगर किसी की ब्लू आइज है तो उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, उनके अंदर अगर भी ब्लू आई है तो इसका मतलब ये कैरेक्टर हेरिडिटरी कैरेक्टर कहला रहे थे। तो ये जो ट्रांसमिशन हुआ पेरेंट्स से बच्चों में, जो ये संचरण हो रहा है लक्षणों का, इसे हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। अब बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता के नियमों और आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। अब हमने हेरिडिटी तो पढ़ ही लिया कि जब जनक जीव से संतति में लक्षणों का संचरण होता है तो उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। तो आनुवंशिकता के नियमों और आनुवंशिकता को कंट्रोल करने वाले कारकों का अध्ययन जिसमें किया जाता है विज्ञान की शाखा में, उसे हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। क्लियर? जेनेटिक्स या आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बैटसन ने 1906 में किया था। और जेनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के शब्द जीन से बना है जिसका अर्थ होता है टू ग्रो इनटू। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल का जेनेटिक्स में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इस कारण से इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल के पहले भी बहुत साइंटिस्ट ने काम किए थे, उनके बाद में भी साइंटिस्ट ने काम किए थे, लेकिन सबसे मेन रोल जो इन्होंने प्ले किया था जेनेटिक्स में, मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन था, उसकी वजह से इन्हें ही फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल के पहले जिन साइंटिस्ट ने काम किए उन्हें हम प्री मेंडेलियन साइंटिस्ट कहते हैं, जिसमें कार्ल रूटर, गार्टनर और नॉर्डिन आते हैं। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के पहले काम किए थे। कार्ल रूटर ने जो काम किया था वो 1733 से 1806 में किया था, इनके बीच में किया था, और गार्टनर ने 1772 से 1850 के बीच में किया था, और नॉर्डिन ने 1815 से लगाकर 1899 के बीच में काम किया था। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो पौधा चुना था वो टोबैको का या तंबाकू का पौधा चुना था, और उसके अलावा कई दूसरे पौधे पर भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन ये सक्सेस नहीं रहे थे या असफल हो गए थे। तो इनकी असफलता या इनके फेल होने का कारण क्या था? फर्स्ट रीजन तो ये था कि इन्होंने ऐसे प्लांट सेलेक्ट किए थे जिनकी लाइफ साइकिल बहुत लॉन्ग थी, जिनका जीवन चक्र बहुत लंबा था।
तो लॉन्ग लाइफ साइकिल होने के कारण इनको रिजल्ट के लिए बहुत टाइम तक वेट करना पड़ा था। और दूसरा इनका असफल होने का ये कारण था कि इन्होंने एक साथ कई कैरेक्टर्स का अध्ययन कर लिया था, जिससे इनके परिणाम काफ़ी जटिल हो गए थे। और थर्ड हम बात करते हैं कि इनके जो रिजल्ट थे उन्होंने उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, तो इन तीन मेन रीज़न की वजह से ये अनसक्सेस रहे थे। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हैंजनडॉर्फ के सिलिसिया गांव में हुआ था, और ये 1943 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में इन्होंने पादरी का पद ग्रहण किया था, और वहीं उन्हें ग्रेगर की उपाधि मिली थी। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो पाइसम सेटाइवम या उद्यान मटर पर किए थे, और इनके जो एक्सपेरिमेंट की ड्यूरेशन, जो इन्होंने मतलब इनका टाइम पीरियड रहा था एक्सपेरिमेंट्स का, वो 1857 से 1865 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। और इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर अनुवंशिकता के नियम बनाए थे, जिन्हें मेंडेलिज्म कहते हैं। क्लियर। मेंडल के बाद भी कुछ साइंटिस्ट ने काम किए थे, जिसमें मेनली तीन साइंटिस्ट हैं। एक हैं हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज़ हैं, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शर्मक हैं। इन तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग काम करते हुए मेंडल जैसे कॉन्क्लूजन पर ये पहुंचे थे, और इस प्रकार 1900 ईस्वी में मेंडल के कार्यों की रीडिस्कवरी इन्होंने की थी, इन तीनों साइंटिस्ट ने की थी। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए जिन्होंने मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज की थी। क्लियर। अब हम बात करते हैं मेंडल के कार्यों की। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट पाइसम सेटाइवम या उद्यान मटर पर किए थे। इन्होंने टोटल 34 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था, लेकिन उसमें से केवल 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण जो थे, मतलब 7 जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे, उसी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। और इन्होंने एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। हमने देखा था कि इसके पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक समय में कई लक्षणों का अध्ययन किया था, लेकिन मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। मेंडल की सफलता के कारण, सबसे पहले अपन देखते हैं कि मेंडल सफल क्यों रहे थे। तो एक तो सबसे बड़ी बात, लक, मेंडल का लक अच्छा था। दूसरा, उनका जो बैकग्राउंड था वो मैथमेटिक बैकग्राउंड से थे वो, और एक उनका साइंटिफिक व्यू था। तो इन सब रीज़न की वजह से भी उनको सक्सेस प्राप्त हुई। जो मेन रीज़न थे सक्सेस के, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होता है मेंडल की अध्ययन विधि। उन्होंने क्या किया था कि उनसे पहले जिन जिन साइंटिस्ट ने काम किया था वो क्यों असफल रहे थे, पहले उनका बहुत डीप स्टडी की थी कि उनकी असफलता के कारण क्या रहे। ये सब एनालिसिस करने के बाद में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग की थी, ताकि इनसे पहले वाले साइंटिस्ट जो गलतियां कर चुके हैं वो गलतियां ये वापस से रिपीट ना हो। इस वजह से उन्होंने क्या किया था, डीप स्टडी की थी उनके असफल रहने की। दूसरा, उन्होंने एक समय में एक ही कैरेक्टर की वंशागति का अध्ययन किया था, जबकि उन साइंटिस्ट ने एक समय में एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को ले लिया था। तीसरा, उन्होंने स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड नहीं रखा था, मेंडल ने स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड बनाया था, और इन्होंने लक्षणों की वंशागति का F3PD तक अध्ययन किया था। F3PD क्या होती है कि जब कोई दो पेरेंट है उनका क्रॉस होता है या हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो जो पहली पीढ़ी बनती है उसे हम F1PD बोलते हैं। फिर उसका सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उससे जो पीढ़ी बनती है उसे F2 बोलते हैं, और उसके सेल्फ पॉलिनेशन से जो तीसरी पीढ़ी बनती है उसे हम F3PD कहते हैं, जो हम आगे डायग्राम में भी देखेंगे। अनुवंशिकी रूप से शुद्ध पौधों का वर्णन किया था उन्होंने। उन्होंने क्या किया था, सेल्फ पोलिनेशन से जो पीढ़ी बनती है उन्हीं को उन्होंने काम में लिया था, ताकि प्योरिटी बनी रहे, तो वे शुद्धता की जांच स्वपरागण से करते थे। पांचवा, स्पष्ट दिखाई देने वाले विपर्यासी लक्षणों में शुद्ध पौधों का ही संकरण के लिए जनकों के रूप में चयन किया था। मतलब पेरेंट भी वही लेते थे जो कि शुद्ध पौधे होते थे, जिनका जीनोटाइप जो है वो, जैसे अपन बात करते हैं लंबे पौधे और बोने पौधे की, तो लंबे को जो शुद्ध लंबे होते हैं वो TT, कैपिटल TT होते हैं, और जो शुद्ध बोने होते हैं वो स्मॉल TT होते हैं। तो वो क्या है, शुद्ध पौधे हैं। तो
तो उन्होंने पेरेंट में भी शुद्ध पौधों का ही चयन किया था। शुद्ध लक्षणों वाले पौधों को अलग अलग क्यारियों में उगाया था और पर परागण की संभावना से दूर रखा था, मतलब उनमें क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, इसलिए उन्होंने उसे अलग अलग क्यारियों में रखे थे। अभी हमने F3 जनरेशन की बात की थी, जैसे देखिए ये प्योर प्लांट लिए, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि इन्होंने प्योर प्लांट लिए, तो देखिए दोनों एक जैसे, RR प्योर है, RR प्योर है। अब यहाँ जो बने हैं वो RR बने हैं, ये हेटरोजाइगस बने हैं। अब इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो पीढ़ी प्राप्त हो रही है, सबसे पहले तो इन दोनों के क्रॉस से जो पीढ़ी प्राप्त हुई वो F1 हुई, फिर इसके सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो पीढ़ी प्राप्त होगी उसे F2 पीढ़ी बोलेंगे, और इनके सेल्फ फर्टिलाइजेशन से जो पीढ़ी प्राप्त होगी उसे हम F3 पीढ़ी कहेंगे। मटर के पौधों का चयन ही मेंडल ने क्यों किया, कोई दूसरा पौधा भी ले सकते थे, तो इसके पीछे ये रीजन रहा था कि मटर का पौधा एक वर्षीय शाक होता है, इसकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, इस कारण रिजल्ट के लिए बहुत लंबे समय तक वेट करना नहीं पड़ता है और जल्दी जल्दी रिजल्ट इसमें प्राप्त हो जाते हैं, और इनके पुष्प द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी होते हैं तो इसमें क्या होता है कि दोनों सेक्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, इनमें पर परागण व विपुंसन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। पर परागण जिसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें क्या करते हैं कि जो फीमेल पेरेंट होता है उसके स्टिग्मा पर किसी मेल पेरेंट, किसी दूसरे मेल के पोलन ग्रेन्स को छिड़क देते हैं, उसे हम बोलते हैं पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं हम उसे। फिर आता है विपुंसन। विपुंसन में क्या होता है कि जो फीमेल पेरेंट जो पौधे होते हैं, फीमेल पेरेंट पौधों के पुष्पों में से स्टिग्मा के मैच्योर होने से पहले ही अपन क्या कर देते हैं, एंथर को हटा देते हैं, मतलब पुंकेसरों को हटा दिया जाता है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। तो इनमें पर परागण में विपुंसन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो हमने अभी यहाँ पर देखा ईमैस्कुलेशन में अपन ने क्या किया, एंथर या पुंकेसर को हटा दिया गया, जब मतलब मेल फीमेल की जो स्टिग्मा परिपक्व ना हो उससे पहले इन्होंने इनको हटा दिया ताकि क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन से बचा जा सके। दूसरा पर परागण विपुंसन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। विपुंसन का हमने ये पढ़ा कि एंथर को हटा देने को हम या क्या बोलते हैं, विपुंसन बोलते हैं, और पर परागण किसको हम बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। कोई जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी कोई एक फ्लावर है, इसका ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इन पोलन ग्रेन्स को कहाँ छिड़क दिया, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर छिड़क दिया, तो ये क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर इसका यहीं पर चला जाता है तो उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर, तो इनमें पर परागण व विपुंसन सफलतापूर्वक कराया जा सकता है। और पुष्प की संरचना स्वनिषेचन के अनुरूप है। देखो दोनों इसमें मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर में हैं, इसलिए इसकी संरचना तो कैसी है, ये स्वनिषेचन के अनुरूप है, और इस कारण मटर के पौधे संयुग्मजीव होते हैं। आवश्यकता अनुसार इसमें पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है, और इसमें अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं जिनके बारे में आगे हम देखते हैं अभी। तो मटर के पौधे में इन्होंने मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था और सभी लक्षण प्रभावी और अप्रभावी थे। जो इन्होंने लक्षण लिए थे वो पहला था पादप की लंबाई, लंबापन अप्रभावी लक्षण, और अप्रभावी है बोनापन। पुष्पों की स्थिति अक्षी और अग्रस्त, पुष्पों का रंग बैंगनी और सफेद, फली का रूप चपटा और संकृषित या कॉन्स्ट्रिक्टेड, फली का रंग हरा और पीला, बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार, बीज के रंग पीला और हरा। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमने 7 पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, जिसमें पहला हमने क्या लिया था, लंबाई का, जिसमें लंबे और बोने पौधे। दूसरा पुष्प की स्थिति, जिसमें एक्सियल अक्षीय या टर्मिनल अंतस्थ पढ़ा हमने। तीसरा फ्लावर अक्षीय में, देखिए यहाँ पर साइड में फ्लावर आते हैं और मतलब ये जो टर्मिनल होता है इसमें जो ब्रांच है उसके जस्ट टर्मिनल पार्ट पर फ्लावर आता है, और यहाँ फ्लावर कलर में पर्पल और वाइट, और पॉड कलर जो है, ये फली जो है इसके कलर की बात करें तो ग्रीन और येल्लो, पॉड की शेप की बात करें तो इन्फ्लेटेड चपटी या फिर इस टाइप से संकीर्णित, ये संकीर्णन दिख रहे हैं। सीड कलर, बीज के कलर की बात करो तो पीला और हरा, और सीड की शेप की बात करें तो राउंड और रिंकल्ड। तो ये जो कैरेक्टर सारे आपको दिख रहे हैं ये सारे डोमिनेंट या प्रभावी लक्षण हैं और ये सारे अप्रभावी लक्षण हैं। क्लियर। संकरण तकनीक,
स्वपरागण रोकने के लिए विपुंसन, विपुंसन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि फीमेल पेरेंट या मादा जनक पौधों के पुष्पों में से उनका जो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा होता है उसके परिपक्व होने से पहले ही क्या करते हैं, पुंकेसरों को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये पुंकेसरों को हटा देंगे तो यहाँ पर स्वपरागण नहीं हो पाएगा। परपरागण के लिए मादा जनक के परिपक्व वर्तिकाग्र पर नर जनक के परागकण छिड़क दिए जाते हैं। अब आप देखिए, ये फीमेल का वर्तिकाग्र या स्टिग्मा है, इस पर अपन क्या करते हैं, किसी दूसरे पौधे के जो यहाँ पर ये परागकण है इनको यहाँ पे छिड़क दिया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण बोलते हैं। परपरागित पुष्पों पर अन्य परागकणों से बचाने के लिए फिर क्या कर देते हैं, थैली बांध दी जाती है, क्लियर, ताकि दूसरे पोलन ग्रेन इसके ऊपर नहीं आए। इन पौधों से प्राप्त बीजों को मेंडल ने फिर अलग अलग रखा और इनसे प्राप्त पौधों के तने, पुष्प, फली आदि के गुणों का अध्ययन किया था। फिर उन्होंने अलग अलग स्टडी की, तो जो पेरेंट वाली जो पीढ़ी होती है उसे हम P1 बोलते हैं, उसके बाद जो उनसे जनरेशन बनेगी पहली उससे प्रथम संतति पीढ़ी या F1 बोलते हैं, और द्वितीय संतति पीढ़ी को F2 बोलते हैं, और तृतीय संतति पीढ़ी को F3 बोलते हैं। थैंक यू, आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।